के वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम OnePlus 11R का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सारी चीज़ें बताएंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, साथ में रेटिंग्स भी बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना चैनल ग्रो नहीं हो सकता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड की। तो इसमें आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, पहला है सोनिक ब्लैक, दूसरा है गैलेक्टिक वाइट। दोनों ही कलर प्रीमियम है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ ये आपको 205 ग्राम्स और 8.7 mm की थिकनेस पे देखने को मिलता है, तो फॉर्म फैक्टर इसका अच्छा है। साथ ही साथ इसमें आपको पीछे की तरफ ग्लास बैक जिसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, आगे की तरफ आपको डिस्प्ले पर ड्रैगन टेल की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है। साथ ही साथ पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो नीचे की तरफ आपको सिम ट्रे जिसमें डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है, साथ साथ टाइप सी पोर्ट, माइक होल और स्पीकर ग्रिल। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉल्यूम लॉकर बटन, ऊपर की तरफ आपको आयर ब्लास्टर, साथ ही साथ सेकेंडरी माइक होल और एक और स्पीकर ग्रिल यानी कि डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड पर आपको पावर बटन और अलर्ट स्लाइडर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो पोर्ट्स एंड बटन के मामले में कोई कमी नहीं है सिवाय 3.5 mm जैक के। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने 10 में से 9 रेटिंग्स दिए हैं। ओवरऑल डिज़ाइन एंड बिल्ड के मामले में इसमें कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ आपको तीन कमियां देखने को मिल जाती है। 3.5 mm जैक नहीं है, IP रेटिंग्स नहीं है और ड्रैगन टेल की प्रोटेक्शन है डिस्प्ले पे। अगर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन ज़्यादा बेहतर होता, ऐसा नहीं है ड्रैगन टेल ख़राब है, लेकिन फिर भी गोरिल्ला ग्लास की अपनी बात होती है। नहीं तो उसके अलावा आपके कोई एक्सपीरियंस जो होगा आपका डिज़ाइन एंड बिल्ड के मामले में वो प्रीमियम होगा, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो OnePlus 11 और इसमें आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है लुक्स के मामले में। OnePlus 11 में साइड पंच होल है और इसमें आपको सेंटर पंच होल देखने को मिलता है, बस इतना ही फ़र्क है। अब अगर इस पे डिस्प्ले स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच का एक बड़ा सा 1.5K वाला 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ 10-bit कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले को देखने को मिलता है। भाई मुझे तो लग रहा है मैं किसी राजा की कहानी सुना रहा हूँ, इतने भर भर के स्पेक्स दिए हुए हैं इसमें। वैसे खैर छोड़िए, इतने इसकी जो डिस्प्ले व्यूविंग एंगल्स है वो कमाल की है। आपको जो वीडियो एक्सपीरियंस मिलेगा वीडियो देखते वक्त, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करते वक्त, वो कमाल का होने वाला है। और स्टूडियो स्पीकर्स होने के कारण और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो मल्टीमीडिया कंजप्शन आपकी बढ़ जाने वाली है इस डिस्प्ले के साथ। बस आपको एक ही चीज़ इसमें कमी नज़र आएगी, वो है कि इसकी जो PPI है, रिजोल्यूशन है, वो थोड़ी कम है 40,000 के स्मार्टफोन के हिसाब से। नहीं तो उसके अलावा भी डिस्प्ले जो है वो कमाल का है। 10-bit होने के कारण आपके जो डिस्प्ले व्यूविंग एक्सपीरियंस होगा वो कमाल की होने वाली है। साथ में इसमें आपको 1450 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो आउटडोर और इंडोर विजिबिलिटी भी आपकी कमाल की होगी। साथ ही साथ इसमें TUV 4 ईयर्स का फ्लुएंसी का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, तो जो फ्लुएंसी बनी रहेगी, स्मूथनेस आपकी 4 साल तक वो कम नहीं होने वाली है। तो आपको पता चल ही गया होगा क्यों मैंने 10 में से 8 रेटिंग्स दिए हुए हैं डिस्प्ले के मामले में। ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपका कमाल का आने वाला है, लेकिन आपको इसमें दो कमी देखने को मिलेगी। पहला है डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन, जो कि ड्रैगन टेल की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती है। और दूसरा है डिस्प्ले रिजोल्यूशन, वो 40,000 के स्मार्टफोन कंपेरिजन में थोड़ी कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि रिजोल्यूशन बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर दूसरे स्मार्टफोन में कंपेयर करें तो थोड़ी सी कम रिजोल्यूशन देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी आपका जो एक्सपीरियंस होगा डिस्प्ले के साथ वो डे टू डे लाइफ यूसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको ऑक्सीजन OS 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है। ब्लॉटवेयर देखेंगे तो कोई ज़्यादा फालतू के ब्लॉटवेयर नहीं है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ही देखने को मिलते हैं, जो बाद में हम इंस्टॉल कर ही लेते हैं। और अपडेट्स की बात करें तो इसमें आपको 3 साल के मेजर और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, ऐसा ऑफिशियली कन्फर्म्ड है कंपनी के द्वारा। तो आपको पता चल ही गया होगा क्यों मैंने 10 में से 9 रेटिंग्स दिए सॉफ्टवेयर को, क्योंकि ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है वो आपका कमाल होने वाला है। हाँ, अगर थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर भी नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी जो आपको स्मूथनेस मिलने वाली है वो कमाल की मिलेगी, आपको पुराने OnePlus वाली फीलिंग आ जाएगी इस सॉफ्टवेयर के साथ। ओवरऑल ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा होता जाएगा, इसलिए 100 बात की एक बात है कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो आपका होगा इस स्मार्टफोन के साथ वो कमाल का होने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1, जिसके कारण ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन बन जाता है 40,000 के नीचे। साथ ही साथ रैम एंड स्टोरेज टाइप की बात करें तो इसमें आपको LPDDR5X साथ में UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर स्कोर देखेंगे तो 1 मिलियन के ऊपर अंततु स्कोर है, साथ में गीकबेंच स्कोर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और लेकिन CPU थ्रॉटलिंग में स्कोर तो वैसे अच्छा है, 70% के ऊपर स्कोर किया हुआ है, लेकिन कभी काल ये थ्रॉटलिंग कर देता है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो कमाल का होने वाला है, आप हाईएस्ट सेटिंग पे गेम खेलिए वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ ही साथ डे टू डे लाइफ यूसेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओवरऑल जो आपको स्मूथनेस मिलेगी डे टू डे लाइफ यूसेज में वो कमाल की मिलने वाली है। तो आपको पता चल ही गया होगा क्यों मैंने 10 में से 9 रेटिंग्स दिए हुए हैं परफॉर्मेंस के मामले में। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो आपको मिलने वाला वो कमाल का मिलेगा, हाँ सिर्फ कभी काल ये थ्रॉटलिंग कर देता है, अगर वो भी ना करता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी डे टू डे लाइफ यूसेज में वो कमाल की मिलने वाली है। अगर आप एक बात बोलूँ, अगर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो आप आंख बंद करके भी इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस स्मार्टफोन के साथ परफॉर्मेंस के मामले में। अब अगर इसके बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग की बात करें तो इसमें भी आपको सेम 5000 mAh की बैटरी विथ 100 वाट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि आपको स्मार्टफोन को 25 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज कर देगा। साथ में बैकअप इसका कमाल का है दोस्तों, चाहे आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कीजिए या हैवी गेम खेलिए, हैवी टास्क कीजिए, पूरा दिन आपकी बैटरी लाइफ आराम से चली जाएगी। तो आपको पता चल ही गया होगा क्यों मैंने 10 में से 9 रेटिंग्स दिए हुए हैं बैटरी लाइफ के मामले में। आप सोच रहे होगे इतना छोटा छोटा कंटेंट में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल पैकेज है ये। ओवरऑल पैकेज में अगर मैं सब चीज़ बताने गया तो 11-12 मिनट का वीडियो बन जाएगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी बोरिंग फील होगा, इसलिए ओवर कमाल का सब चीज़ आपको इसमें मिलने वाला है। ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा होगा, मैं हर बार ये बोल रहा हूँ, फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ बैटरी लाइफ जो आपको मिलने वाली है वो कमाल की मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बैटरी लाइफ के साथ। अब अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX890 से प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, टेलीफोटो नहीं है। अब अगर आप और साथ में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी जो कि सैमसंग ISOCELL सेंसर है। अब अगर आप 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर की फ़ोटोज़ देखेंगे तो डे लाइट कंडीशन में बहुत अच्छे फ़ोटोज़ निकल के आते हैं, चाहे वो डायनामिक रेंज हो।